प्राचीन खेल ठोटा का आयोजन राज्य स्तरीय शूलनी मेले में किया गया। ठोटा की प्रस्तुति के दौरान खेल के साथ नृत्य का नजारा देखने के लिए सैकड़ों दर्शक उपस्थित रहे। ठोटा खेल जिसमें सोलन, सिरमौर, शिमला की 4 टीमों ने भाग लिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ठोटा शिमला, सोलन व सिरमौर का एक लोक नृत्य है जिसमें ठोक अर्थ ठोकना यानी निशाना साधकर निर्धारित स्थान पर निशाना लगाना होता है। महाभारत काल से चले आ रहे इस ठोटा खेल के नाम पर ही यहां शूलनी मेला स्थित ठोटो मैदान का भी नाम पड़ा है। ये प्राचीन खेल सोलन जिला सहित साथ लगते सिरमौर, शिमला, कुल्लू व चंबा के अलावा राज्य के अन्य कई दुर्गम क्षेत्रों में भी प्रचलित है। सोलन में शूलनी मेले पर आयोजित ठोटा खेल का शुभारंभ राज्य खाद्य बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया द्वारा तीर चलाकर किया गया। वहीं पारंपरिक खेलों के साथ साथ कराटे, बैडमिंटन, शतरंज, किक बॉक्सिंग के भी मुकाबले करवाए गए जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर राज्य खाद्य बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने कहा कि ठोटो मैदान जिसका नाम ठोटा खेल से ही पड़ा है और ये हमारा पारंपरिक खेल है, लेकिन नौजवान पीढ़ी इस खेल की बहुत ही कम जानकारी रखता है, इसलिए पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि युवाओं को भी पारंपरिक खेलों के बारे में जानकारी मिल सके। ठोटा खेल हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में बहुत ही प्राचीन खेल है और इस खेल का शुभारंभ पांडवों के समय से हुआ है। हिमाचल की देव संस्कृति को जीवित और पुनर्जीवित करने में ये लोग लगे हैं, इनको मैं प्रणाम करते हुए ठोटा खेल का जो आज आयोजन किया जा रहा है बहुत ही अच्छा संपन्न होगा, मनोरंजन भी होगा, इसके लिए मैं सभी टीमों को शुभकामनाएं देता हूँ। सोलन में जो ये ठोटा खेल खेला जाता है, हम जिस मैदान में खड़े हैं इसको ठोटो मैदान कहा जाता है और ठोटो मैदान भी इसी खेल से लिया गया है इसका नाम, और इस खेल के आधार पर ही इस मैदान का नाम ठोटो ग्राउंड रखा गया है।